मुझे बिग बॉस दो बार ऑफर हुआ था, इंदुबदना जब रिलीज़ होने वाली थी उस वक्त भी हुआ था, एंड उससे पहले जब मैं वीरा कर रही थी उस वक्त हुआ था। एंड सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं करूँगी कुछ ऐसा, एंड मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने काफ़ी उसे वार्मली अप्रिशिएट किया एंड एक्सेप्ट किया, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे एक्चुअली शुरुआत के दिनों में तो मुझे ऐसा था कि बस मैं काम करूं लेकिन काम करते करते फिर आप एक मोमेंट के बाद ये सोचती हो कि आप वही काम, आपको कुछ अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, और वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। और हमेशा लाइक मुझे तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चलता है या ट्विटर के थ्रू पता चलता है कि कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगी है कौन सी नहीं। हाय, आई एम फरना शेट्टी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। वेलकम फरनाज ऑन मायापुरी एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टेलीविजन से फिल्मों की तरफ, वो भी साउथ फिल्मों की तरफ शिफ्ट होना, कैसे रहा है पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए? बहुत अच्छा रहा है, और इसका क्रेडिट मैं लॉकडाउन को देना चाहूंगी, बिकॉज घर पे जब बैठते हो आप तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और फिर आप अपने लिए कुछ डिसाइड करते हो। तो ऐसे में आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि हाँ, मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने आप को भी टाइम दे सकूं, बिकॉज टेलीविजन में आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि 30 दिनों में मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलती थी जो सैलॉन्स में चली जाती थी, क्योंकि सेट पर आने के लिए आपको खुद को फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मैंने OTT और फिल्म की तरफ रुख मोड़ा। ग्रेट, किस तरह से, जिस तरह से आपकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म का जो पोस्टर था काफ़ी यूनिक था, उसके बारे में जानना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स आया, कैसा पूरा अनुभव रहा आपका? उसका पोस्टर वायरल हो गया था और वो ट्वीट भी काफ़ी हुआ था, ट्वीट पे भी वायरल हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। एंड मेरे लिए एक इतना अमेजिंग चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो इंदुबदना, तो मैं बहुत हैप्पी थी, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। और लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म ही हमारी रिलीज़ हुई थी, तो उसके हिसाब से, एंड सिंस इट वॉज माई डेब्यू, सो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, आई वॉज वेरी हैप्पी। ग्रेट, फैंस का कैसे रिएक्शन रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको इतने वक्त से टेलीविजन पर अलग अलग किरदार को निभाते हुए देखा है, फिर वो हिस्टोरिक माइथो हो, नॉर्मल टेलीविजन कैरेक्टर्स हो, कैसे रिस्पॉन्स रिएक्शन रहा आपके फैन? सबका ही रिएक्शन काफ़ी ये अलग था, बिकॉज वो काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए करना, एंड सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं करूँगी कुछ ऐसा, एंड मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने काफ़ी उसे वार्मली अप्रिशिएट किया एंड एक्सेप्ट किया, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। ग्रेट, वेल, अब किस तरह से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, क्या कुछ साउथ में एक डेब्यू फिल्म करने के बाद और क्या कुछ कर रही हैं आप? मुझे हाँ, मेरी फिल्म देखकर लाइक कई लोगों के कॉल्स आए, एंड मुझे काफ़ी सारी फिल्म्स ऑफर हुई हैं उसके बाद, तो मैं 2 फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो फिल्में मैं कर रही हूँ अभी, साउथ की ही कर रही हूँ। तो हाँ, नवंबर में वो रिलीज़ होगी एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रैम्बो, और एक अगले साल रिलीज़ होगी जिसका नाम है गजा। एंड मैं मुंबई में भी ये OTT के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो एक वीडियो कैम स्कैम वेब सीरीज़ है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के एपिकॉन चैनल लॉन्च होने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, उसके साथ हमारी वेब सीरीज लॉन्च होगी, सो दैट इज ऑल्सो आई एम डूइंग। क्या बात है, ऐसा एज अ एक्टर और एक्ट्रेस करने के लिए बहुत कुछ अभी प्लेटफॉर्म्स है, टेलीविजन हो, वेब शोज हो, OTT पर इतना जो है अलग तरीके से ही वाइड हो गया है, तो एज अ एक्ट्रेस आप किस तरह से, कौन से प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, किस तरह के किरदार आपको प्ले करना अच्छा लगता है फरनाज? मुझे एक्चुअली शुरुआत के दिनों में तो मुझे ऐसा था कि बस मैं काम करूं लेकिन काम करते करते फिर आप एक मोमेंट के बाद ये सोचती हो कि आप वही काम, आपको कुछ अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो मुझे कुछ चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि फिल्म मैंने इंदुबदना जो किया था काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो, तो दैट इज़ वॉट एक्चुअली दैट पुशेज मी टू डू इवन बेटर, तो ऐसे टाइप के रोल। एंड ऑल्सो मैंने ये भी सोचा है कि अच्छे लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जब आप अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकल कर आता है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे विदाउट टेकिंग अ नेम कि वो अच्छे मेकर्स जो होते हैं वो अच्छा प्रोडक्ट बने। तो माय आल्सो इंटेंशन कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स एंड अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस इनके साथ काम करूं, जो कि मैं अभी कर रही हूं, जो मैं OTT प्रोजेक्ट बता रही हूं आपको, उसके जो मेकर्स हैं वो ब्लू ड्रॉप प्रोडक्शन हैं, जिन्होंने फिल्म गोदावरी, जर तुम्हारा माहित असेल, गोदावरी मराठी फिल्म है जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला है एंड सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को, उसके मेकर्स बना रहे हैं।
तो वो जब बनाते हैं तो यू नो इट्स वन ऑफ अ काइंड, बहुत अच्छा निकल के आता है, ये आपको श्योरिटी होती है. तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो माई एम इज़ टू वर्क विद गुड पीपल एंड टू डू गुड वर्क. ग्रेट. और किस तरह से जो है फैंस का सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में आपको? फैंस का बहुत सपोर्ट रहा है. और इनफैक्ट जिस तरीके का आप काम करते हो और जैसे ही आप इंडस्ट्री चेंज कर देते हो तो आपके नए फैंस जुड़ जाते हैं आपके साथ और वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं. और हमेशा लाइक मुझे तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चलता है या ट्विटर के थ्रू पता चलता है कि यू नो कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगी है कौन सी नहीं. तो आई लाइक इट. मुझे क्रिटिक्स भी पसंद है और मुझे फैंस भी पसंद है बिकॉज क्रिटिक्स से आपको यू नो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो यू नो एंड वेर एवर इफ़ यू गो रॉन्ग यू हैव दैट स्पेस टू गेट बेटर. सो या लाइक माई फैंस हैव बीन रियली सपोर्टिंग सिंस द बिगिनिंग एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैट. क्या बात है. वेल टेलीविजन के रियलिटी शोज की अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस जो बड़े रियलिटी शोज हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है, करना चाहेंगी? मुझे बिग बॉस दो बार ऑफर हुआ था. इंदुबदना जब रिलीज़ होने वाली थी उस वक्त भी हुआ था एंड उससे पहले जब मैं वीरा कर रही थी उस वक्त हुआ था. इट्स नॉट माई इंटरेस्ट टू बी ऑनेस्ट. अभी फ़िलहाल मैं तैयार नहीं हूँ मेंटली. अच्छे शोज़ हैं सारे. फ्रेंड्स को देखती हूँ जैसे शोज़ में होते हैं. हर सीज़न में कोई ना कोई एक पहचान का होता है, एक्वेंटेंस या फ्रेंड्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड. लेकिन कुछ डिज़ास्टर होता है तो ऐसा लगता है अच्छा वो नहीं किया. दैट इज़ समथिंग बिकॉज आई एम लाइक अ वेरी टिमिड पर्सन फ्रॉम हार्ट. मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एक रियलिटी शो, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को फेस करना. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अंदर से. तो मैं उतनी स्ट्रांग जब हो जाऊँगी तो मैं आ जाऊंगी. खतरों के खिलाड़ी में मुझे अगर चांस मिलता है, टाइम मिलता है या मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली करूंगी बिकॉज मुझे रेप्टाइल्स एंड जो चैलेंजेस होंगे इट्स वेरी क्रीपी. आई कांट स्टैंड इवन अ अर्थवर्म, फॉरगेट अबाउट फेसिंग क्रोकोडाइल्स. तो आई वुड लाइक टू फेस दोज चैलेंजेस. मैं फैंस को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे काम के लिए मुझे सराहा, मुझे प्यार किया एंड उनकी वजह से मुझे अंदर से एक पुश मिलता है. एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उन्हें अपना अच्छा काम दूँ एंड हर अपने नए काम के साथ नए लोगों से जुड़ूँ, नए फैंस बने मेरे. और बहुत बहुत थैंक यू.